सर्वाइवल सीरीज़ के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन ने लास्ट टाइम अपन ने एक ट्रेडिंग हॉल बनाया था और उसमें विलेजर्स लेके आ गए थे। अपन ने उनको लाइब्रेरियन की जॉब दी थी, फ्लेचर्स की जॉब दी थी और फार्मर्स की जॉब दी थी, और मैंने दो चार आर्मर वगैरह भी बना लिए थे ताकि उनसे आर्मर ले सकें। एंड लाइब्रेरियन से अपन बुक लेने आए थे ताकि आर्मर को इंचांट कर सकें, अपने टूल्स को अच्छे से इंचांट कर सकें। तो यार मैंने थोड़ा बहुत काम किया और फिर विलेजर्स से किताबें ले ली अच्छी सी, मतलब मैंने उनको कर लिया कि अब वो किताबें दे रहे हैं शार्पनेस प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। उसमें बहुत टाइम लग गया, मतलब आधा एक घंटा लग गया, वो नौकरी ले ही नहीं रहे थे, बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली अब वो नौकरी ले रहे हैं। तो आज के एपिसोड में अपन आर्मर लेंगे सबसे पहले तो एक आर्मर से, फिर उसको अच्छे से इंचांट करेंगे और फिर उसको एकदम मैक्स इंचांट करके अपने टूल्स को भी इंचांट करेंगे। अपन के पास एमरल्ड्स अभी ज़्यादा नहीं है तो एमरल्ड्स भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ रेड कर लेंगे दो चार। लूटिंग थ्री के साथ अगर अपन रेड को मारेंगे तो फिर काफ़ी सारे एमरल्ड्स मिल जाएंगे, और उसके बाद में अपने पेड़ को काट के स्टिक्स को तो ट्रेड कर ही सकते हैं, तो मतलब खूब सारे एमरल्ड्स मिल जाएंगे। वीडियो के बीच में आप लोगों के लिए यार धमाकेदार सरप्राइज़ है, यार वीडियो को पूरा देखना। तो यार चलो यार अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिंग हॉल में जाऊँगा। तो यहाँ ट्रेडिंग हॉल पे आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैंने इन सबको नौकरी दे दी है। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या दे रहे हैं। ये वाला मेंडिंग दे रहा है, ये एफिशिएंसी 5, ये फेदर फॉलिंग प्रोटेक्शन, एक्वा एफिनिटी, फ्लेम इन्फिनिटी, शार्पनेस 5, लूटिंग 3 और नॉकबैक 2 दे रहा है। और उस साइड भी मैंने 5 को और लाइब्रेरियन बना दिया था। स्माइट 4 दे रहा है, स्माइट 5 मिल नहीं रही थी, और ये जो दो बीच में है ये एकदम बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये कुछ अच्छी किताब दे नहीं रहे, तो मैंने इनको अभी ऐसे ही छोड़ दिया। ऊपर मैंने फार्मर्स को लगा दिया, ये आलू वाला है, गाजर वाला, ये आलू गाजर वाला, अच्छे अच्छे नाम दे दिए, चुकंदर वाला, गाजर वाला, सब सब मैंने नाम दे दिए इन सबको। और उस साइड अपने आर्मरर्स है, उधर आगे जाके आर्मर है, टूल्स में थे, तो मैंने उनको भी लगा दिया वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं एक आयरन का एनविल बनाऊंगा, क्योंकि आयरन के एनविल से अपन जो इंचांटिंग है वो सब करेंगे। मेरा प्लान ये है कि पहले मैं रेड करूंगा, तो उसके लिए मेरे को लूटिंग 3 की तलवार चाहिए ताकि ज़्यादा एमरल्ड्स मिले। तो मैं एक एनविल बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं अपने आयरन फार्म से ढेर सारा आयरन ले आया था, तो मैंने 8 एनविल बना लिए यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4 इधर और 4 इधर एनविल को लगा दिया मैंने। तो अब बस अपन को लूटिंग से की किताब लेनी है। मेरे पास कितने में रहे, 34, ये कितने में दे रहा है, ये 39 में दे रहा है, तो मेरे पास कम पड़ जाएंगे। मैं देखता हूँ अपने पास जो लकड़ी है उसको मैं फ्लेचर को ट्रेड करके फिर ले लूँ। स्टिक बना लेते हैं थोड़े, 2 स्टैक हो जाएगा शायद तक काम। 5 ही एमरल्ड चाहिए अपन को, और ये नहीं दे रहा, कौन सा दे रहा था ये वाला, अरे ये भी नहीं दे रहा, कौन सा दे रहा था, हाँ ये दे रहा है, तो इससे मैं ले लेता हूँ। 5 एमरल्ड चाहिए, 6 मिल गए तो काफ़ी मतलब। तो अब मैं इससे लूटिंग की किताब ले लेता हूँ। एक बुक चाहिए होगी, तो बुक के लिए बुकशेल्फ को तोड़ते हैं। अब मैं इससे लूटिंग 3 ले लेता हूँ। चलो ये ले ली, एक्सपी भी उठा लिया मैंने यहाँ से, एक्स्ट्रा सामान वापस रख देते हैं। और अब अपन अपनी तलवार को इंचांट कर सकते हैं, तो इस एनुअल से मैं इसको इंचांट करता हूँ। अभी फायर एस्पेक्ट 2 और शार्पनेस 4 लगी हुई है, तो अब लूटिंग 3 भी लग जाएगी, तो धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड भी ओपी हो रही है, तो इस पर काफ़ी सारे इंचांट करना बाकी है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कर लेंगे। एमरल्ड वगैरह यहाँ पे रख देता हूँ, और अभी रात हो रही है तो सो जाते हैं, उस पर होते ही अपन रेड करने चलेंगे, तो जल्दी से सो जाते हैं। सुबह हो गई, तो मेरे पास आर्मर नहीं है, कहीं मेरे को जो रेडर्स हैं पिलेजर्स हैं वो मार ना दे। एक आर्मर बना ही लेता हूँ मैं, दरवाज़ा, हाँ अरे हाँ अब आ गया मैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक चेस्ट प्लेट वगैरह बना लूँ, मतलब आयरन की बना लेता हूँ, डायमंड की अपन बाद में ले लेंगे, शायद तक इससे काम हो जाएगा अपना। तो एक हेलमेट बना लेते हैं, जूते बना लेते हैं, और मेरे पास जो आयरन बचा हुआ है उससे मेरे पास एक चेस्ट प्लेट और हो जाएगी। तो पैंट को छोड़ के सब कुछ बना लिया मैंने, पैंट वही पुरानी जगह। अब जल्दी से चलते हैं अपन अपने पिलेजर टावर पे, पिलेजर आउटपोस्ट पे चल के बहुत सारे मारने पड़ेंगे, तब जाके मेरे को बैड ओमेन का इफेक्ट मिलेगा, मेरे को उसको मारना पड़ेगा। अरे यहाँ पे क्रीपर को होल किसने किया, तो हमें बोला था कि मेरे को उसको मारना पड़ेगा जिसके ऊपर सर पे बैनर हो। ये हर जगह क्रीपर फटे हुए हैं, थोड़ी लाइट वगैरह लगानी पड़ेगी। मेरे घर के सामने भी काफ़ी सारे क्रीपर का होल हो गया था। तो ये अपना रेड फार्म है, अपन यहीं पर करवाएंगे रेड। तो जल्दी से पिलेजर आउटपोस्ट पे चल के मैं 2-4 मारूंगा, देखते हैं जल्दी से मिल जाए बस बैड ओमेन का इफेक्ट।
ये आ गए यहाँ पे। चलो ये भी मर गया, इसको मारते हैं। ओ था उसके पास एन्चांटेड है, ये भी गया। इनको मारना तो आसान है, शार्पनेस लगी हुई मेरे तलवार पे। Much, much, much later. तो फाइनली मेरे को बैड ओमेन का इफेक्ट मिल गया है, जल्द से रेड शुरू कर देता हूँ मैं। रेड शुरू हो गई, जल्दी से नीचे भागते, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कहीं पीछे ना आ जाए, तो दरवाजे पे ये लगा देता हूँ, अब ये नहीं आएंगे मेरे साथ पीछे पीछे। चलो ये दरवाजा लग गया अपना, इसके आर पार जा सकते हैं, ऐसा दरवाजा लगाया है। तो नीचे चलते हैं एंड देन रेड में मारते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। ऊपर से मेरे को किसी केव में से स्केलेटन वगैरह की आवाज़ आ रही है, शायद तो कोई केव है। आए कि नहीं? अच्छा हाँ, देख गए, ऊपर आ गए। एक बार नीचे आ जाए फिर मार सकते हैं इनको आराम से। चलो आ गए, अब जल्दी जल्दी मार लेता हूँ, देखते हैं कितनी लंबी रेड जाती है। लेवल वन की रेड करी अभी, तो बैडमैन वन ही था, तो अब जल्दी से मार लेता हूँ, ढेर सारे एमरल्ड्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो फाइनली लास्ट एक बचा रेडर, तो उसको अच्छा मर गया। चलो मर गया, मेरे अचीवमेंट भी अनलॉक हो गया। अब अपन देखते हैं मेरे पास कितने एमरल्ड्स हो गए, काफ़ी सारे हो गए होंगे, एक स्टैक तो हो ही गए होंगे शायद तक। तो इस चेस्ट में, इसमें भी नहीं है, अच्छा 35, ज़्यादा नहीं मिले, मुझे लगा था ज़्यादा मिलेंगे, शायद था कि लेवल वन की रेट थी इसलिए। तो अगर लेवल फाइव भी करते तो इसके 5 गुना मिल जाएंगे, यानी 2.5 स्टैक्स शायद तक। One eternity later. तो मैंने एक और रेट कर ली, अब इसमें देखते हैं कितने एमरल्ड्स मिले। ये मैंने दोबारा रेट करी है, सेकेंड रेट है, तो इसमें शायद तक ज़्यादा मिले होंगे। तो इस बार लेवल 2 की रेट थी और इससे मेरे को 1.5 स्टैक्स मिल गए, तो ठीक ठाक हो गया, मतलब सही मिल गया। अब देखना ये होगा कि मैक्स वाली में कितने मिलते हैं। तो जल्दी सब मैं ये सब ले लेता हूँ एंड देन एन्चांट करने चलते हैं। किताबें शायद तक इससे मिल जाएंगी मेरे को काफ़ी सारी, क्योंकि अभी मेरे को हीरो ऑफ द विलेज भी मिला हुआ है, तो सारी ट्रेड सस्ती हो गई होंगी, तो विलेजर सस्ते में दे देंगे सामान। तो जल्दी से सारे एमरल्स ले लेता हूँ। अरे टेलीफोन कैसे, तो एमरल्ड लेते हैं, 1.5 स्टैक हो गए। मैं टोटेम भी ले लूँ क्या? हाँ चलो टोटेम भी रख लेता हूँ मैं, काम ही आएंगे, अगर मैं मरूँगा तो मैं वापस ज़िंदा हो जाऊँगा, बाद में ले लूँगा, चलो छोड़ो। तो अब जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ, रात हो रही है तो अभी घर भागना पड़ेगा। तो मैं आ चुका अपने ट्रेडिंग हॉल पे, तो सबसे पहले तो मैं मेंडिंग की बुक लूँगा इससे। तो ये 13 एमरल्ड्स की दे रहा है, ये तो महंगी दे रहा है। और कोई तरीका है क्या इसको सस्ता करने के? एक जॉम्बी को करके तरीका है, मतलब इनको जॉम्बी विलेजर बना दो फिर ट्रीट कर लो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो नहीं करूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत है। ये सामान गिरा रहे हैं, अच्छा ये इसलिए गिरा रहा है क्योंकि मेरे को हीरो ऑफ द विलेज का वो मिला हुआ है अचीवमेंट। तो देखते हैं इस साइड वाले भी कुछ गिराते हैं क्या। गिराओ गिराओ सब लोग गिराओ, दे दे यार इस गरीब को कुछ तो दे दे। अब मेरे को आर्मर लेना है डायमंड का, क्योंकि फिर अपन उसी को इंचांट करेंगे। तो जल्दी से आर्मरर के पास चलते हैं, यहाँ पे है, ये दो आर्मर बनाए मैंने। तो ये क्या ट्रेड्स दे रहे हैं? ये 3 और 4 एमरल्ड के बदले में आयरन का आर्मर दे रहे हैं, तो ये ले लेता हूँ मैं। इनको लेवलअप करना पड़ेगा क्योंकि इनकी लास्ट ट्रेड होती है, तो लास्ट रेट के लिए तो इनको लेवलअप करना ही पड़ेगा। पहले तो इससे ढेर सारे जूते ले लेते हैं। चलो ये हो गए मेरे पास जूते काफ़ी सारे और ये लेवलअप भी हो गया होगा। अब क्या खुला? अब ये आयरन के बदले में एमरल्ड दे रहा है, तो आयरन अपने पास नीचे रखा है बहुत सारा, तो यहाँ से आयरन लेते हैं। ये हो गया आयरन, इसके भी इंगट्स बना लेता हूँ और इसमें बचा हुआ सामान रख देता हूँ सारा, इतने सारे जूते मेरे पास। चलो रख दिए मैंने सामान, अब जल्दी से आयरन ट्रेड करते हैं। ये हो गया अपन का ट्रेड, तो देखते हैं लेवलअप हो जाना चाहिए, हो गया लेवलअप और एक्सपी भी काफ़ी सारा मिल रहा है इससे। लेवलअप हो जाए यार जल्दी से। ये क्या दे रहा है? हाँ तो अब ये शील्ड दे रहा है, तो शील्ड के बदले में चलो इसको फिर से लेवलअप कर सकते हैं अपन। शील्ड का ट्राई करता हूँ, शायद तक 2 शील्ड में हो जाएगा लेवलअप, अब हो जाना चाहिए बस। देखते हैं यार डायमंड कार में मिल जाए कुछ अच्छे एन्चांट के साथ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे को सामान, मेरी इन्वेंट्री फिर से फुल हो गई, रखना पड़ेगा। यहाँ पे चेस्ट बना दिया शिवम एक, ये
ये आयरन के ब्लॉक्स तोड़ता हूँ, इनको भी ट्रेड कर लूँगा तो उससे भी एमराल्ड मिल जाएंगे। चलो शिवम ने चेस्ट लगा दी, तो अब इसमें सारा सामान जो मेरे को नहीं चाहिए वो दे देता हूँ। ये गोल्डन एक्स वगैरह मेरे को इन विलेजर्स ने गिरा के दे दिए थे। चलो ये सब क्या सामान, अब आयरन के मैं वापस इंगट्स बना लेता हूँ। अब इसे ट्रेड करेंगे और बहुत सारे एमराल्ड ले लेंगे अपन। आयरन के तो अपने पास बहुत सारे, अपने आयरन फार्म में बहुत सारा रखा हुआ है, तो ये सही चीज़ होगी। तो अभी ये डायमंड की ट्रेड्स दे रहे हैं, ये मेरे को लेगिंग्स और बूट्स दे रहे हैं और दोनों पे फायर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, एक पे 1 और एक पे 2 है, तो मतलब इनको ले सकते हैं। वापस से अपन इसको डिसएन्चेंट कर लेंगे और फिर अपन अच्छे एन्चेंट लगा लेंगे। तो अब इसको फिर से लेवल अप करते हैं ताकि ये चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी दे दें। तो मैं शील्ड ही करता हूँ, बहुत सारे शील्ड ले लेते हैं इससे, 3, 4, 5, 6 शायद तक अब हो जाना चाहिए। अब ये सामान वापस नीचे चेस्ट में रख देता हूँ। शील्ड रख दी मैंने सारी, अब ऊपर चलते हैं, वो लेवल अप हो गया होगा, बस अच्छा सा चेस्ट प्लेट मिल जाए। ये वाला था, नहीं ये वाला था। अब ये दे रहे हैं मेरे को चेस्ट प्लेट और हेलमेट, इन पे फायर प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, मतलब चलो कोई ना, इसको डिसएन्चेंट करके करना पड़ेगा। ये क्या दे रहा है, इसको भी लेवल अप करूँ क्या मैं? नहीं, एमराल्ड संभाल के रखता हूँ। चलो अब मैं अपना डायमंड का आर्मर फाइनली पहन लेता हूँ। मेरा पहला डायमंड का आर्मर पूरा एन्चांट हो रखा है, अच्छा एन्चांट तो नहीं लेकिन वो अपन बाद में कर लेंगे। तो अपन ने पहन लिया डायमंड का आर्मर, और कुछ दे रहा क्या ये? चलो कुछ नहीं दे रहा। तो अब जल्दी से नीचे चलते हैं और फिर अपने आर्मर को एन्चांट करते हैं। अपने पास एमराल्ड भी ख़त्म होने वाले हैं, इसने एम्प्टी मैप गिरा दिया। ये देखते हैं ये कुछ गिराते हैं क्या, कुछ खाने को मिल जाए तो सही है। गिरा दो यार थोड़ा बहुत, नहीं गिरा रहे। तो मेरे को और किताबों के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था एमराल्ड्स अपने पास ख़त्म होने वाले हैं, तो उसके लिए पेड़ काटना ही सही रहेगा। तो थोड़े बहुत पेड़ काट लेता हूँ मैं, मेरे पास एक्स पे काफ़ी सही चीज़ लगी हुई है, एफिशिएंसी 4 है, तो जल्दी से कट जाएंगे। मेरा टारगेट ये होगा कि 5-6 स्टैक्स ले लूँ और फिर उनकी स्टिक्स बना के इनसे ट्रेड कर लूँगा, तो बहुत सही मेरे को एमराल्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आसपास बर्च का फॉरेस्ट बहुत सारा था, लेकिन पहले भी पेड़ काटे थे तो ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया। तो इस बार सैपलिंग संभाल के रखेंगे, सैपलिंग सारे उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, और अब अपन घर चलते हैं। इन सैपलिंग्स को मैं बाद में लगा दूँगा वापस ताकि पेड़ उग जाए। तो जिनसे घर भागते हैं, सामने अंडरमैन है, उसको मारूँ क्या? चलो नहीं मारते, अरे नीचे गिर गया। चलो ऊपर चलते हैं, ये आ गया मैं ऊपर। चलो जल्दी से अपन अपने अंदर चलते हैं, शिवम भी पीछे आ रहा है। अरे वो मार क्यों रहा है मेरे को, वो शायद अंदर मैं उनको मार रहा है। Much, much, much later. तो अब मैं जल्दी से ट्रेड कर लेता हूँ, मैं स्टिक को बेच दूंगा और एमराल्ड ले लूंगा इन विलेजर से। तो फाइनली मैंने ट्रेड कर लिया इन सब फ्लेचर्स के साथ में, मेरे को मिल गई बहुत सारे एमराल्ड्स। मैंने इनको बहुत सारी स्टिक दे दी थी, तो मेरे पास जितना भी वुड था सबको ट्रेड कर दिया, एंड मेरे को अराउंड एक स्टैक से थोड़े बहुत ऊपर मेरे को मिल चुके हैं एमराल्ड्स। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इतने तो काफ़ी नहीं होते, मेरे को अभी भी और चाहिए, तो इसलिए मैं रेड करूँगा। और इस बार मैं रेड का ये ट्राई करूँगा कि मैं बैड वुमन 5 वाला इफेक्ट ले लूँ, ताकि उससे थोड़ी लंबी रेड हो और मेरे को मतलब ज़्यादा एमराल्ड्स मिल जाए, क्योंकि अब तो यार बहुत सारे एमराल्ड्स की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे को एक बड़ी रेड करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मैं जल्दी से वहाँ पे जाऊँगा एंड देन पिलेजर्स को मारूँगा। तो यहाँ से जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने चेस्ट में रख दिया है, तो अब अपन चलते हैं वहाँ पे और ढेर सारे पिलेजर्स को मारते हैं। तो मैं बहुत सारों को मार रहा हूँ, मेरे पास अभी बैड ओमेन 4 का इफेक्ट मिल चुका है मेरे को, आधा पौन घंटा हो गया। अरे मिल गया, लास्ट वाला भी मिल गया, तो अब बैड ओमेन 5 का इफेक्ट मिल जाएगा, तो इसको मार देते हैं। एंड फाइनली मेरे पास बैड ओमेन 5 का इफेक्ट हो चुका है, मतलब बहुत देर लगी इसको करने में, मतलब काफ़ी टाइम लगी, आधा पौन घंटा लग गया, बहुत देर से मैं मार रहा था, एक्सपी मेरे पास बहुत सारा हो गया, लेकिन फाइनली अपन को मिल ही गया जो बैड वन 5 का इफेक्ट था। तो चलो अच्छा, अपन अब बड़ी वाली रेड कर सकते हैं एंड बहुत सारे एमराल्ड मिल जाएंगे। तो यार अब मैं जल्दी से चलता हूँ, मेरे को क्रॉसबो भी कई सारे मिल गए इनको मारने से, तो ये मतलब अभी भी मेरे को इसी काम के है नहीं, लेकिन हाँ इनको भी इंचार्ज करके मैं रख सकता हूँ। तो जल्दी से अपने रेड फार्म पे चलते हैं, यहाँ पे आ गए, रेड शुरू हो जाए, पहले रेड शुरू कर देता हूँ यहाँ से। ऊपर एक जॉम्बी घूम रहा है,
रेड शुरू हो गई, इसको मार लेता हूँ जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं ऊपर ना रह जाऊँ। क्रीपर क्रीपर क्रीपर, नहीं नहीं इसको इससे नहीं लेना पंगा, नीचे भागते हैं। तो रेड शुरू हो गई ऑलमोस्ट, आने ही वाले, तो अब मैं आ गया नीचे, इसकी मार के देखते हैं। अरे लॉल, तो ये सारे क्रॉसबो मैं इस चेस्ट में रख दूँगा, तो एक बार आ जाए वो नीचे। चलो आने लग गए, इनको मारते हैं, ट्राई करता हूँ इन सबको जल्दी से मार लूँ, लेकिन फ्री तो लगी भी है तो बहुत सारे एम्बल मिलने वाले हैं इस बार, तो जल्दी से अपन वेट करते हैं, और भी आ जाए नीचे फिर इन सबको मारते हैं। तो फाइनली विलेज ख़त्म हो चुकी है, मेरे को फिर से हीरो ऑफ द विलेज मिल चुका है, एंड अपन देखते हैं कि मेरे को कितने एम्बल्स मिल चुके हैं। ये लेवल 5 की रेट थी, ये यहाँ पे ऑफलाइन ही खड़ा है, ऑफलाइन है क्या? नहीं नहीं, इसके हाथ में मिल गया सामान, ये क्या हो गया? चलो कोई ना, हाँ हिल गया हिल गया हिल गया, चलो सही है। मेरे को बहुत सारे टोटल्स मिल गए, तो अब मैं मरूँगा नहीं, ये तो गारंटीड है। यहाँ पे एम्बल्स मिल गए, इस चेस्ट में कितने हैं? इस चेस्ट में भी है, तो यहाँ पे 26 एम्बल्स है, यहाँ से टोटल ले लेता हूँ सारे, एक स्टार की ज़्यादा हो गया मेरे पास, यहाँ से भी टोटल ले लेंगे सारे। तो अभी मेरे पास 3 स्टार हो गए, ऑलमोस्ट पूरे 3 स्टार हो गए, उससे काफ़ी सारी किताब मिल जाएंगी, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से हीरो ऑफ द विलेज के साथ सस्ती ट्रेड मिलेगी, तो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो अब अपन घर चलते हैं, बहुत सारे क्रॉसबो भी हो गए, मैं 2-4 टोटल्स भी रख लेता हूँ अपने साथ में, ये काम ही आएंगे, घर पर मरूंगा नहीं। चलो और ले लेता हूँ, ये सारे ले लिए, तो इनको मैं कुछ को मैं अपने घर पे ले जाऊंगा और कुछ को ट्रेडिंग फार्म पे छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे घर पे आ चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे पहले तो सब रख देता हूँ सारे, एंड अब मेरे पास जो एमरल्ड है उससे किताबें लूँगा। गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी ना घुस जाए। तो मेरे को पहले किताबें चाहिए होंगी, किताबें कहाँ रखी? ये रखी, 15 किताबें मिल गई। तो सबसे पहले अपन मेंडिंग लेंगे, तो मेरे को 8 मेंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, 4 आर्मर की और 4 टूल्स के लिए। देखते हैं अभी कितनी लेते हैं, 6-7, ये शायद ट्रेड सस्ती कर देगा, इसको मैं बंद करके खोलूँगा। एक्सपी बहुत सारा मिल गया, इसने एक और किताब गिरा दी, ये महंगी दे रहा है, चलो ले लेते हैं 7 की, ले लेता हूँ मैं, 8 हो गई। अब ये क्या दे रहा है? एफिशिएंसी 5, नहीं एफिशिएंसी 5 तो बहुत महंगी है, प्रोटेक्शन 4 देखते हैं कहाँ है। ये क्या दे रहा है? शार्पनेस, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, तो ये 2 ले लेता हूँ, एक मेरे लिए एक शिवम के लिए। लूटिंग 3 ले लेता हूँ मैं, एक इन्फिनिटी भी ले लूँगा। तो पहले क्या लूँ? लूटिंग 3 ले लेता हूँ, मेरे पास अभी तो है एमरल्ड्स काफ़ी सारे, तो एक लूटिंग 3 हो गई। और अब मैं यहाँ से कुछ लूँगा, अनब्रेकिंग 2 ले लूँगा, तो इससे मैं जो टूल्स हैं वो टूटेंगे नहीं, तो अनब्रेकिंग 2 को 2 बार जोड़ने से अनब्रेकिंग 3 मिल जाएगा मेरे को, तो ये सही है। तो अनब्रेकिंग 2 की भी किताब हो गई मेरे पास कई सारी, और कुछ देखता हूँ और कुछ चाहिए मेरे को। एफिशिएंसी फाइव ले लूँ क्या? छोड़ो नहीं लेता, मेंडिंग ले लेता हूँ एक और। चलो हाँ, मेंडिंग हो गई मेरे पास। अब अपन चलते हैं और अपने टूल्स को इंचार्ज करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेंडिंग और ये सब जो किताबें मेरे काम की नहीं है वो दे देता हूँ शिवम को, वो अपना आर्मर इंचार्ज कर लेगा। और अब मैं मेरे टूल्स को करता हूँ, मेरे टूल पे मेंडिंग लगाऊंगा पहले तलवार पे। अब मैं अपने एक्स पे मेंडिंग लगाता हूँ, पिकैक्स पे तो मेरे पास पहले से ही लगी हुई मेंडिंग, तो उस पर तो लगाने की ज़रूरत है नहीं। शवल पे भी मेंडिंग लगा सकते हैं, तो मेरे पास अभी मेंडिंग लगा देता हूँ शवल पे अपने। ये अपना शवल भी इंचांट हो गया, ये यहाँ पे कचरा क्यों गिरा हुआ है, ये सब रख देता हूँ। अभी मेरे को आर्मर भी इंचांट करना है, उस पर मेंडिंग लगाऊंगा, तो इसलिए मैंने अपनी इन्वेंट्री में जगह बना दी। अब तलवार पर शार्पनेस 5 लगा देता हूँ, अभी 4 लगी हुई है, लगा शार्पनेस 5 की 2 किताबें मेरे पास, तो शार्पनेस 5 लग गई। एक्सपी तो अपने पास खूब है, तो दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास अभी अनब्रेकिंग 2 की किताब है, लेकिन उनको मेरे को 3 का करना पड़ेगा ताकि टूल जो है वो ज़्यादा देर तक चले, तो इसलिए मैं 2 अनब्रेकिंग 2 की किताबों को जोड़ दूंगा और फिर उनसे मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिल जाएगा। तो मैं एनवल में उन दोनों को जोड़ता हूँ। चलो एक और डाल लेते हैं। अब मेरे को बस आर्मर को इंचांट करना है, तो आर्मर पर मेंडिंग लगाता हूँ पहले। तो मेंडिंग कहाँ गई? हाँ मेंडिंग, हेलमेट पे मेंडिंग लग गई अपने, चेस्ट प्लेट पे भी मेंडिंग लग गई, और ये एक एनवल टूट गया। अब दूसरा एनवल लेते हैं, इस पर मेंडिंग लगाते हैं। एक्वा एफिनिटी भी रखी मेरे पास एक और मेंडिंग नहीं है क्या मेरे पास? मैंने ली तो थी, मेरे को जितना याद है। चलो कोई ना, और मेंडिंग ले लूँगा मैं बाद में।
अभी मेरे पास एमरल्ड तो है काफ़ी सारे। अब मैं अनब्रेकिंग 3 जो है वो अपनी तलवार पे लगाता हूँ ताकि तलवार देर तक चले। तलवार ऑलमोस्ट लाल हो चुकी है, ख़त्म ही होने वाली है। अब मैं अपने इससे जो एक्स है उस पर भी अनब्रेकिंग 3 लगा दूँगा। चलो एक्सपी कम पड़ गया अपने पास, तो मैंने अनब्रेकिंग 2 लगा दी यहाँ पर। अब जो अपना वेपन्स पिक था उसको भी मैंने लेवलअप कर लिया, तो वो भी अपने को टूल्स दे रहा है। ये डायमंड की तलवार दे रहा है और डायमंड का एक्स दे रहा है, तो इससे मैं 2-4 लेके रख लेता हूँ इन स्टॉक में ताकि ये अपने बाद में काम आ जाए, क्योंकि अगर मैं कभी मर जाता हूँ और फिर मेरे को नहीं मिलते हैं टूल्स तो ये काम आ जाएंगे। तो इससे मैंने 3 तलवार ले ली। अब इससे एक्स लेता हूँ, 3 एक्स, 2 एमरल के बदले तो सही मिल गई तलवार अपन को। और इससे मैं एक और तलवार लेता हूँ। तो फाइनली अब मेरे सारे एमरल्स ख़त्म हो चुके हैं। 1 eternity later. तो गाइस फाइनली बहुत मेहनत के बाद में मैंने अभी 2 रेड और करी और काफ़ी सारे पेड़ काटे, उसके बाद में मेरे पास एमरल्ड हो चुके हैं इतने कि मैं अपने आर्मर पे प्रोटेक्शन 4 और थॉर्न्स 3 लगा चुका हूँ। तो मैं थॉर्न्स 3 का जलवा दिखाता हूँ यहाँ पे। शिव मेरे को मारेगा एरो, थोड़ा पीछे चलते हैं। और इसने मारा, उसको भी लग गई। तो मेरे को अगर वो मारेगा तो सामने वाले को भी डैमेज हो जाएगा। तो अपने बूट्स पे लग चुकी है प्रोटेक्शन 4 मेंडिंग और थॉर्न्स 3, लेगिंग्स पे भी ये लग चुका है, चेस्ट प्लेट पे भी लगा चुका हूँ और हेलमेट पे भी लगा चुका हूँ। तो प्रोटेक्शन 4 अरे अब क्यों मार रहा है भाई, अब बस काफ़ी है, अरे जला दिया इसमें तो अपन को। चलो कोई ना, आर्मर अपना बहुत स्ट्रांग है तो नहीं मरने वाला मैं, खाना खा लेता हूँ थोड़ा। तो फाइनली अपने पास बहुत अच्छा आर्मर हो चुका है, बची हुई चीज़ें हैं वो अपन बाद में लगाएंगे क्योंकि अभी अपने पास और एमरल्ड्स नहीं है। तो यार अच्छा खासा अपने पास टूल्स हो गए, आर्मर हो गया एंड सब कुछ अच्छा खासा इंचांट हो चुका है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आर्मर वगैरह अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ बताना कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ, क्या क्या फार्म्स बनाऊँ और क्या क्या इंचांट करूँ अपने आर्मर को। एंड चैनल पर न्यू हो तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा देना। अब मैं मिलूँगा ऐसी एक और सर्वाइवल सीरीज़ के धमाकेदार एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइस।